सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग कंपैरिजन करेंगे रेडमी के दो स्मार्टफोन का, यानी कि रेडमी नोट 8 प्रो और रेडमी नोट 9 प्रो स्मार्टफोन का। दोस्तों, हाल ही में ही रेडमी नोट 9 प्रो स्मार्टफोन की इंडिया के मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है, जिसके प्राइस 12,999 रुपये से स्टार्ट होते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि रेडमी नोट 8 प्रो के कंपैरिजन में रेडमी नोट 9 प्रो स्मार्टफोन पर हमें डाउनग्रेड स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती है, यानी कि कुछ हद तक ये स्मार्टफोन हमें रेडमी नोट 8 प्रो से ऊपर देखने को नहीं मिलता है। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक ये है कि आपके लिए रेडमी नोट 9 प्रो स्मार्टफोन बेस्ट होगा या रेडमी नोट 8 प्रो स्मार्टफोन बेस्ट होगा। अगर आप भी सब कुछ जानना चाहते हो तो बिना स्किप के वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आपके वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन को जरूर दबा ले। तो गाइस, बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के लुक और डिजाइन से। दोनों स्मार्टफोन ग्लास बैक के साथ आते हैं। दोनों स्मार्टफोन पर हमें क्वाड रियर कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है, लेकिन रेडमी नोट 8 प्रो स्मार्टफोन पर हमें फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर मोबाइल फोन के रियर साइड पर मिलेगा और रेडमी नोट 9 प्रो स्मार्टफोन पर हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलते हैं। फ्रंट साइड की बात की जाए तो रेडमी नोट 9 प्रो स्मार्टफोन पर हमें 6.67 इंच की डिस्प्ले मिलती है और रेडमी नोट 8 प्रो स्मार्टफोन पर हमें 6.53 इंच की डिस्प्ले मिलती है। दोनों स्मार्टफोन पर हमें फुल एचडी प्लस का रेजोल्यूशन और आईपीएस एलसीडी पैनल मिलते हैं। दोनों स्मार्टफोन 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आते हैं। दोनों स्मार्टफोन पर डिस्प्ले पर हमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की 5K प्रोटेक्शन भी देखने को मिलती है, यानी कि दोस्तों दोनों स्मार्टफोन पर हमें सेम रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है, लेकिन कंपेयर टू रेडमी नोट 8 प्रो स्मार्टफोन हमें रेडमी नोट 9 प्रो स्मार्टफोन पर थोड़ी बड़ी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और ये दोनों स्मार्टफोन एक बढ़िया डिस्प्ले के साथ आते हैं। अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो आपको पता होगा कि रेडमी नोट 8 प्रो स्मार्टफोन मीडियाटेक हीलियो G90T के एसोसिए के साथ लॉन्च किया गया था, जो 15,000 रुपए की प्राइस में एकदम बेस्ट स्मार्टफोन था। वहीं अगर हम रेडमी नोट 9 प्रो स्मार्टफोन की बात करें तो ये स्मार्टफोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G एसोसिए के साथ लॉन्च किया गया है, जहाँ में एड्रीनो 618 का GPU भी देखने को मिलता है, यानी कि अब की बार स्नैपड्रैगन का चिपसेट हमें रेडमी नोट 9 प्रो स्मार्टफोन पर देखने को मिलता है। दोनों स्मार्टफोन पर हमें माइक्रो एसडी कार्ड का डेडिकेटेड स्लॉट मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ा अंतर यह है कि जो रेडमी नोट 8 प्रो स्मार्टफोन है, इसके शुरुआती वेरियंट में हमें 6GB रैम का ऑप्शन मिलता है और रेडमी नोट 9 प्रो स्मार्टफोन के शुरुआती वेरियंट में हमें 4GB रैम का ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। और ये दोनों स्मार्टफोन परफॉर्मेंस के मामले में बढ़िया स्मार्टफोन है। दोनों स्मार्टफोन से हम एक अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस ले सकते हैं, यानी कि ज्यादा बड़ा कोई अंतर हमें परफॉर्मेंस में देखने को नहीं मिलेगा। कैमरे की बात की जाए तो दोनों स्मार्टफोन क्वाड कैमरे के साथ लॉन्च किए गए हैं, यानी कि जो रेडमी नोट 8 प्रो स्मार्टफोन है, प्राइमरी कैमरा हमें 64 मेगापिक्सल का मिलता है, एक अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर, डेप्थ सेंसर, मैक्रो सेंसर मिलते हैं। वहीं रेडमी नोट 9 प्रो स्मार्टफोन पर दोस्तों हमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है। जी हाँ दोस्तों, रेडमी नोट 9 प्रो स्मार्टफोन पर हमें 48 मेगापिक्सल का GM2 के सेंसर के साथ प्राइमरी कैमरा मिलता है और अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर, डेप्थ सेंसर और मैक्रो सेंसर हमें रेडमी नोट 9 प्रो स्मार्टफोन पर भी मिलते हैं। अब सवाल उठता है कि दोनों स्मार्टफोन पर हमें कितने मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। रेडमी नोट 8 प्रो स्मार्टफोन पर आपको 20 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलेगी और रेडमी नोट 9 प्रो स्मार्टफोन पर आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो रेडमी नोट 9 प्रो स्मार्टफोन रेडमी नोट 8 प्रो के कंपैरिजन में डाउनग्रेड स्पेसिफिकेशन के साथ, डाउनग्रेड कैमरे के साथ लॉन्च किया गया है। तो अब बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन की बैटरी की। बैटरी में दोस्तों हमें थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है, क्योंकि रेडमी नोट 8 प्रो स्मार्टफोन 4500 mAh की बैटरी के साथ आता है और दोस्तों रेडमी नोट 9 प्रो स्मार्टफोन हमें 5020 mAh की बैटरी के साथ मिलते हैं, यानी कि अब की बार रेडमी नोट 9 प्रो स्मार्टफोन पर हमें एक मैसिव बैटरी मिलती है। दोनों स्मार्टफोन पर हमें 18W की फास्ट चार्जिंग और टाइप सी पोर्ट देखने को मिलेगा। दोनों स्मार्टफोन पर हमें फेस अनलॉक, 3.5mm का ऑडियो आउटपुट जैक और आयरन ब्लास्टर भी दोनों स्मार्टफोन पर हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम OS की और UI की बात करें तो दोनों स्मार्टफोन पर हमें MIUI 11 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और Android 10 का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, यानी कि दोनों स्मार्टफोन एक बढ़िया स्पेसिफिकेशन के साथ आते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या आपको Redmi Note 8 Pro स्मार्टफोन को कंसीडर करना चाहिए या Redmi Note 9 Pro स्मार्टफोन को कंसीडर करना चाहिए। Redmi Note 8 Pro स्मार्टफोन की अब मार्केट में प्राइस 13,999 रुपये है। अब सवाल उठता है कि इन दोनों स्मार्टफोन में से आपके लिए
वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन कौन सा होगा। तो दोस्तों आपको साफ साफ शब्दों में बता दूं कि दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर में हमें कोई ज्यादा बड़ा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप पंच होल डिस्प्ले यानी कि डॉट नोच डिस्प्ले के शौकीन हो, आपको डॉट नोच डिस्प्ले अच्छी लगती है, तो आपके लिए रेडमी नोट 9 प्रो स्मार्टफोन भी बेस्ट स्मार्टफोन साबित हो सकता है। अगर आपको एक बड़ी बैटरी वाले स्मार्टफोन चाहिए तो फिर भी आप रेडमी नोट 9 प्रो स्मार्टफोन को कंसिडर कर सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर आपको एक बढ़िया कैमरे वाले स्मार्टफोन चाहिए जिससे आप एक बढ़िया की पिक्चर कैप्चर कर सको, तो मेरे हिसाब से आपके लिए अब के टाइम में भी रेडमी नोट 8 प्रो स्मार्टफोन एक बढ़िया स्मार्टफोन साबित हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, रेडमी नोट 8 प्रो स्मार्टफोन पर हमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है। तो दोस्तों मुझे पूरी पूरी आशा है कि आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। गाइज अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए गाइज अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।